कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो माते संगोस्तवि कर्मणि। श्री विष्णु पुराण जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण। विष्णु और योग ध्यान विष्णु पुराण। मैं माँ हूं, धरती माँ। जीने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना मानव का कर्तव्य है। इन्हीं में से एक सिद्धांत यह है कि पूर्वजों के दिए हुए संस्कार को नई पीढ़ियां केवल इसलिए ना तोड़ें कि ये संस्कार पुराने हैं। इन संस्कारों में से एक संस्कार यह है कि पिता परिवार का स्वामी होता है। परिवार का पालन पोषण करके वो भगवान विष्णु का धर्म निभाता है। परिवार के दुख सुख का ध्यान रखना उसका परम कर्तव्य है। महाराज उत्तानपाद से इसी धर्म को निभाने में चूक हो गई। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र को वो कष्ट झेलना पड़ रहा है जिसे देखकर मेरा मन भर आया है और माता लक्ष्मी उदास दिखाई पड़ती हैं। यह सोचकर तो दुख और भी बढ़ जाता है कि ध्रुव के कष्ट की श्रृंखला न जाने कब समाप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम देवी। प्रणाम। हमारे अहोभाग्य कि विष्णु भार्या ने शिवलोक में पधारकर उसे पावन कर दिया विराजी। लेकिन देवी, यदि आप मेरे पति भोलेनाथ के दर्शन के लिए पधारी हैं तो वो इस समय काशी में विराजमान है। मैं आपसे मिलने आई हूँ। तब तो मैं अपने भाग्य पर जितना गर्व करूँ उतना कम है देवी। मेरी समझ में नहीं आता मैं इतने महान अतिथि का सत्कार किस प्रकार करूं।
ये तो आपकी महानता है जो मुझे इतना सम्मान दे रही हैं। किंतु सत्य तो ये है कि आज मैं शिवलोक में अतिथि नहीं, याचक बनकर आई हूँ। एक विनती लेकर उपस्थित हुई हूँ। विनती? कैसी बातें कर रही हैं देवी? आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। संपूर्ण संसार जानता है शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं। परंतु देवी, आपको चिंताग्रस्त देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मन में चिंता बैठी हो तो मुख दर्पण में उसकी छाया आ ही जाती है। जब कोई माँ अपने पुत्र के लिए चिंता करती है तब वो छिपाए नहीं छिपती। माँ, पुत्र? मैं कुछ समझी नहीं देवी, आप किस माँ और किस पुत्र की बात कर रही हैं? मैं अपने पुत्र की बात कर रही हूँ शिव भार्या। आपका पुत्र? ये कैसी पहेली बुझा रही हैं देवी? कोई पहेली नहीं है देवी, आप तो जानती हैं ना, मानव लोक के एक छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु से मिलने की ठान ली है और इसके लिए वो कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गया है। जानती हूँ देवी, लेकिन वो आपका पुत्र तो नहीं है? अवश्य नहीं है, पर मैं उसे अपना पुत्र मान चुकी हूँ। उसने भी मुझे माँ कहा है। देवी, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आपकी आज्ञा सिर माथे पर, आदेश दीजिए। नन्हा ध्रुव घने वन में घोर तपस्या कर रहा है। उस वन में भयानक पशु हैं। मुझे भय है मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आ जाए। देवी, वनराज आपके वाहन हैं, उन पर आपका अधिकार है। मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आए, यही प्रार्थना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बस इतनी सी बात देवी? यदि इसी चिंता ने आपको पीड़ित कर रखा है तो इसे अपने मन से निकाल फेंकिए। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वत्स ध्रुव पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आप कितनी महान हैं, त्रिलोक के सबसे बड़े दानी की आप हृदय स्वामिनी हैं। आपका हृदय इतना विशाल है कि जो भी आपसे सहायता मांगने आता है उसे आप निराश नहीं करती। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ध्रुव का अमंगल नहीं होगा। आपकी जय हो देवी पार्वती, जय हो। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय, ओम धन्य हो पुत्र, धन्य है तुम्हारी ये तपस्या, तुम्हारा ये विश्वास, तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय। पुत्र, तुम्हारी ऐसी तपस्या से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सीख लेंगे। तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें सदैव सफलता मिले पुत्र, यही मेरी कामना है।
सिंहराज तुम यही ठहरोगे, पुत्र ध्रुव पर कोई संकट ना आने पाए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए देवी, पधारिए, कहिए कैसा रहा आपका ध्रुव अभियान। आपकी कृपा से भोलेनाथ, ध्रुव को कोई हानि नहीं पहुंची, वो बाल बाल बच गया। मैं सही समय पर वहां पहुंच गई थी। परंतु देव, मेरे आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही ये देखकर कि बालक ध्रुव ने इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी आंख तक नहीं खोली, जैसे कि उसे ज्ञान ही न हो कि वो किन संकटों में घिरा हुआ है। वातावरण से अनजान वो बालक आंखें मूंदे दृढ़ संकल्प के साथ मंत्र जाप करता रहा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी, ध्रुव का तो अर्थ ही होता है अटल और दृढ़ निश्चय। जो अटल है वो ध्रुव है, जिसे कोई अपने स्थान से डिगा नहीं सकता वही ध्रुव है। कितने भाग्यशाली होंगे वो माता पिता देव जिनका वो पुत्र है। देवी, भाग्य की परिभाषा सभी अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं। बालक ध्रुव के माता पिता अवश्य भाग्यशाली हैं, किंतु यह सत्य अभी तक उन पर विदित नहीं हुआ है। वे स्वयं को इसलिए अभागे समझ रहे हैं क्योंकि उनका पुत्र, उनकी आंखों का तारा, उनकी आंखों से ओझल हो गया है। तनिक देखिए तो क्या दशा हो रही है उन बेचारों की। ध्रुव, पुत्र ध्रुव, 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 पुत्र ध्रुव, पुत्र ध्रुव, 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 पुत्र ध्रुव, नहीं नहीं, हे जल, हम प्यास से तड़प रहे हैं, परंतु हम तुझसे अपनी प्यास कैसे बुझाएं? न जाने हमारे लाडले पुत्र ध्रुव की प्यास तूने बुझाई है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुझसे अपनी प्यास बुझा लें और हमारा पुत्र तेरी एक एक बूंद को तरसता रहे। नहीं, हम अपनी प्यास बुझाकर ऐसा पाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप
महारानी सुनीति, लगता है हमारे भाग्य जाग गए। आपके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। न जाने कब से हमारी आंखें आपके दर्शनों की प्यासी थी। आंखों की प्यास यदि बुझ गई हो तो अब आप जल से अपनी प्यास बुझाएं। जल ग्रहण कीजिए राजन, आप भी और महारानी सुनीति आप भी। कैसे ग्रहण करें जब से हमारा पुत्र राजमहल छोड़ के गया है। भूख प्यास सब मिट गई हमारी। न जाने कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हम। राजभवन का पाला हुआ न जाने किन मार्गों में ठोकरे खा रहा होगा वो। आपका पुत्र भगवान विष्णु की खोज में निकला है। जो भगवान की खोज में निकलते हैं, जिनके मन में वो रम जाते हैं, उन्हें भगवान अपनी अनुकंपा की छत्र छाया में ले लेते हैं। संसार की कोई भी विपदा उन्हें छू भी नहीं सकती। हमारा पुत्र कहाँ है इस समय? मैं ये तो नहीं बता सकता देवी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं वह जहां भी है सुरक्षित है। क्या हम उसे मिल सकते हैं देवऋषि? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ध्रुव भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। फिर आप उससे कैसे मिल सकते हैं? हे देवर्षि, क्या हम उसकी एक झलक भी नहीं देख सकते? नहीं देवी, यह भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? इसलिए क्योंकि उसे स्वयं भगवान विष्णु की एक झलक देखने की धुन है, इसलिए आप उसे देख ना पाएंगी। मेरा परामर्श मानेंगे राजन? आज्ञा दे प्रभु। आप अपनी राजधानी लौट जाइए। यह संभव नहीं है देवऋषि। मैं प्रण कर निकला था कि लौटूंगा तो ध्रुव को साथ लेकर, नहीं तो मैं भी नहीं लौटूंगा। नारायण नारायण, महाराज उत्तानपाद, आप भी विचित्र प्राणी हैं। क्यों प्रभु? आपने तो मानो ठान ली हो कि जीवन भर वही करेंगे जो दूसरों के लिए कष्टदायक हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। किसको नहीं पहुंचाया? कौन सा धर्म निभाया आपने जिससे दूसरों को सुख मिले? मैं आपका कटाक्ष समझा नहीं प्रभु। कटाक्ष नहीं, ये सत्य है राजन। सबसे पहले आप पति धर्म भूले। आपने सुंदरता में अधिक रुचि ली, नीति को महत्व नहीं दिया। सुंदर सुरुचि को पाकर आप सुशील सुनीति को भूल गए। आपने पिता का भी धर्म नहीं निभाया, इसलिए आज आपके जिस पुत्र को आपके स्नेह की छांव में होना था वह इस झुलसाती धूप में भटक रहा है, और अब अपनी प्रजा को कष्ट देकर आप एक राजा के धर्म से भी विमुख होना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु, मैंने प्रजा को तो कोई कष्ट नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया? राजकाज की बागडोर और अपनी प्रजा के हित को एक स्वार्थी नारी की दया पर छोड़कर आप समझते हैं कि आपने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है? जो राजा अपने परिवार की समस्या में पड़कर अपनी प्रजा के हित को भूल जाए उसे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। एक सुंदर नारी की सुंदरता में आप ऐसा फंसकर भटके कि धर्म का मार्ग ही भूल गए। राजन, जब एक व्यक्ति भटकता है तो केवल वही व्यक्ति भटकता है, किंतु जब एक राजा भटकता है तो पूरा देश भटक जाता है, राष्ट्र भटक जाता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु, परंतु मेरे लिए अपने पुत्र को भूल पाना संभव नहीं। मैं राजा अवश्य हूं पर पिता भी तो हूं। यही तो वो सत्य है राजन, जो एक साधारण व्यक्ति से राजा की और एक राजा से साधारण व्यक्ति की पहचान अलग करता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका परिवार ही उसका संसार है,
किंतु एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार है, और आप अपने परिवार को भूल गए हैं। अब भी समय है राजन, अपनी भूल का प्रायश्चित कर लीजिए, घर लौट जाइए। देवऋषि, आप तो मेरे पूज्य पितामह हैं, सृष्टि के सबसे महान पथ प्रदर्शक हैं। आपने तो सदैव ही भटकों को मार्ग दिखाया है, आपने मुझे भी धर्म का मार्ग दिखाया है। मुझे मेरी भूल बताकर आपने बड़ा उपकार किया है, प्रणाम है आपको, बारंबार प्रणाम है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं अपने परिवार, अपनी प्रजा के पास वापस लौटता हूं। चलिए महारानी, चलो। माता पिता को तो सद्बुद्धि मिल गई, अब देखें ध्रुव की स्थिति क्या है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते नारायण। गुरुदेव भगवान विष्णु अब तक नहीं आए, आपने तो कहा था कि इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य आ जाएंगे, वे तो अब तक नहीं आए। पुत्र, इतना सरल समझ लिया है भगवान विष्णु का इस धरती पर आना? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तो अपना सारा जीवन इसी तपस्या में लगा दिया, किंतु कुछ ही के भाग्य में भगवान विष्णु के दर्शन लिखे थे। तुम्हारी तपस्या तो अभी प्रारंभ हुई है। मुझे और कितनी तपस्या करनी होगी उनके दर्शन पाने के लिए? वत्स, फल अपने निर्धारित समय पर ही पकता है, कली भी निर्धारित समय पर ही फूल बनती है। सूर्य चंद्रमा प्रभात संध्या ये सब एक क्रम चक्र से बंधे हैं। इनका उदय होना अस्त होना आना जाना ये सब निर्धारित समय से ही होता है। तुम्हारी तपस्या सफल होने का समय भी अवश्य आएगा पुत्र, पर तुम तो अभी से घबरा गए। घबराया नहीं गुरुदेव, पर कहीं मेरी तपस्या में कोई कमी तो नहीं रह गई जो भगवान विष्णु अभी तक मेरे पास नहीं आए। तुम्हारी बात में तथ्य है पुत्र, तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है, क्योंकि ये तो सत्य है कि मेरे नारायण उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जिनके मन में उनके अतिरिक्त किसी का ध्यान न हो, जिनके नेत्रों में उनके अतिरिक्त किसी की छवि न हो, जो उनके दर्शन के अतिरिक्त कोई अभिलाषा न रखते हों, जो सारी कामनाओं का सारे बंधनों का त्याग कर चुके हों, जो पूर्ण रूप से समर्पित हों। आप ही तो मेरे गुरु हैं, आप ही तो मेरे मार्गदर्शक हैं, आप भी बता सकते हैं कि मैं और क्या करूं जो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाए। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है वत्स, यही विधि का नियम है। मुझे क्या छोड़ना होगा गुरुदेव? तुम बहुत बड़ी वस्तु पाना चाहते हो, अतएव तुमको बहुत बड़ी वस्तु छोड़नी पड़ेगी। आप उस वस्तु का नाम बताइए, मैं उसे छोड़ दूंगा। खाना छोड़ सकते हो? हाँ छोड़ दूंगा, तब तो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाएंगे ना। अवश्य आएंगे पुत्र, कोई कितना भी आग्रह करे, कितना भी विवश करे, बस तुम खाने को हाथ मत लगाना, फिर देखो कितना शीघ्र भगवान का मन पिघलता है। अच्छा तुम अपने मंत्र का जाप आरंभ करो, मैं चला, मुझे कुछ और कार्य याद आ गया है। ओम न
नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो पुत्र, लो तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। मैं नहीं खाऊंगा माते। क्यों, क्या भूख नहीं लगी? लगी है, पर मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पर क्यों नहीं खाओगे? मेरे गुरु का यही आदेश है। आदेश? क्या आदेश है? क्या कहा देवर्षि ने तुम्हें? उन्होंने कहा है कि यदि मैं खाना छोड़ूं तो भगवान विष्णु शीघ्र मेरे पास आ जाएंगे। पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, खाओगे नहीं तो रहोगे कैसे? भूख तुमसे सहन नहीं होगी। मैं सहन करूंगा, सब कुछ सह लूंगा, भूखा रहूंगा, पर जब तक भगवान विष्णु मेरे पास नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका मुख आपके मन का दर्पण है देवी। मन में चिंता हो तो उसकी छाया आपके मुख पर कहीं दूर से दिखाई देने लगती है, और आज तो आप सिर से पांव तक चिंता की मूर्ति बनी हुई हैं। सब कुशल तो है? कुशल कहां कमल नयन, देवर्षि नारद को न जाने समस्याएं खड़ी करके क्या आनंद आता है। एक और नई समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। अब कौन सा नया पुष्प खिलाया उन्होंने? पहले तो उसे वन में तपस्या करने के लिए छोड़ दिया। मुझे यही चिंता क्या कम थी कि वन के पशुओं से उसकी रक्षा कैसे होगी, और अब उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया है कि आहार भी त्याग दे। देवर्षि ध्रुव के गुरु हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी देवर्षि से सहमत हैं? वो तो नन्हा सा बालक है, तनिक सोचिए तो, आहार त्यागने से उसकी क्या दशा हो जाएगी। क्षमा कीजिए प्रभु, संभवतः आपको भी उसकी पीड़ा पर दया नहीं आ रही। ये आप नहीं बोल रही हैं देवी, ये आपके भीतर समाई हुई एक नारी, एक माँ बोल रही है। यही समझ लीजिए करुणा सिंधु, पर मुझसे उसकी दशा देखी नहीं जाती। दया कीजिए उस पर, दया कीजिए मुझ पर। मुझे आपसे सहानुभूति है देवी, पर मुझे खेद है, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। पक्षपात? कैसा पक्षपात प्रभु? धरती पर मनुष्य लोक में मेरे अगणित भक्त हैं। माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याग कर मेरा दर्शनाभिलाषी है देवी, परंतु जो मेरे साधारण भक्त हैं उनका भी तो मुझ पर अधिकार है। आप तो जानती हैं देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, ये मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है, और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए, केवल किसी एक के कल्याण के लिए नहीं। चाहे मेरा ध्रुव भूख प्यास से दम ही क्यों ना तोड़ दे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं देवी कि मैं विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आपसे सहानुभूति है, परंतु यदि विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया हो तो फिर यही होकर रहेगा।
गंधर्व मलय केतु, ये नन्ना सा बालक अकेले इस भयानक वन में क्या कर रहा है? देखते नहीं गंधर्व राज चित्ररथ भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। ये बालक अवश्य ही उनका मन जीतने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो चिंता का विषय है गंधर्व राज। है तो सही, कहीं इसकी तपस्या हमारे स्वर्ग के स्वामी के लिए कोई संकट ना खड़ा कर दे। तब तो हमें तुरंत देवराज इंद्र को सूचित करना चाहिए। चलो कहीं देरी ना हो जाए। देवराज, क्या बात है गंधर्व राज चित्ररथ? क्या हुआ गंधर्व मलय केतु? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या कहीं कोई अनर्थ हो गया? अनर्थ हुआ तो नहीं देवराज, पर हो अवश्य सकता है। स्वर्ग पर संकट की छाया है। क्या कह रहे हो? तुम तो लगता है अपना मस्तिष्क ही खो बैठे हो। तुम बताओ मलय केतु, क्या बात है? हम दोनों एक वन से जा रहे थे कि हमें एक छोटा सा बालक भगवान विष्णु की तपस्या में मग्न दिखाई दिया। तो क्या हुआ? उसके सामने फलों से भरी थाली रखी हुई थी। सारे फल सूख चुके थे। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने आहार भी त्याग दिया है। बड़ी कठिन तपस्या लग रही थी उसकी। एक बालक क्या और उसकी तपस्या क्या गंधर्व राज? हमें इससे क्या भय? हमारे मन में उसे तपस्या करते देख कर भय समा गया कि कहीं वो भगवान विष्णु से इंद्रासन ना मांग ले। मेरा आसन? ये क्या कह रहे हो? गंधर्व मलय केतु सत्य कह रहे हैं देवराज। धरती लोक के वासियों की दृष्टि सदैव इंद्रासन पर लगी रहती है। इंद्रासन इतना महान है कि हर कोई उसे लेना चाहता है। स्वर्ग को कौन नहीं जीतना चाहता देवराज? तुम दोनों ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। नारायण नारायण। बड़ी शुभ घड़ी में पधारे आप देवर्षि। मैं सोच ही रहा था कि अपनी चिंता का भागीदार किसे बनाऊं, कि आप आ गए। मैं आपकी कोई सेवा कर सका तो स्वयं को धन्य समझूंगा। आपको ज्ञात है कि एक बालक वन में भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है? हाँ मैं जानता हूं।
उस बालक का नाम ध्रुव है। क्यों कर रहा है वो तपस्या? बड़ा विचित्र प्रश्न है देवराज, क्या आप किसी को तपस्या करने का भी अधिकार नहीं? परंतु उसकी तपस्या का कोई तो उद्देश्य होगा। तपस्या, साधना, भक्ति और आराधना, ये व्यक्तिगत कार्य हैं देवराज। जो जिसकी पूजा करता है वही उसका उद्देश्य समझता है। आराधक और आराध्य के बीच आने का किसी को भी अधिकार नहीं। मुझे इतना भोला ना समझिए देवर्षि। धरती के वासी स्वार्थ के बिना ईश्वर की पूजा भी नहीं करते। इस बालक का भी अवश्य ही कोई स्वार्थ है। मानता हूं देवराज, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ध्रुव के विषय में कहना उचित न होगा। क्यों? मानव लोक के वासियों के मन में साधारणतया दो ही प्रलोभन होते हैं, या तो उन्हें सत्ता का लोभ होता है या फिर धन का। ध्रुव महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र है, सो उसे सत्ता का क्या लोभ होगा? सत्ता तो आज नहीं तो कल उसके हाथों में आनी ही है। और आप तो जानते ही हैं देवराज कि धरती पर जिसके हाथों में सत्ता होती है उसके चरणों में धन का ढेर लग जाता है, सो ध्रुव को धन का भी लोभ नहीं हो सकता। हमारे गंधर्व तो कुछ और ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं आपके गंधर्व? इनका विचार है, और हमारे विचार में इनका विचार कुछ अनुचित भी नहीं, कि ध्रुव भगवान विष्णु से वरदान में हमारा सिंहासन मांगने वाला है। नारायण नारायण। देवराज, धरती पर कई बार प्रलय आई और फिर सृष्टि की रचना भी हुई। युग बदले, शताब्दियां बदली, कल्प बदले, मनवंतर बदले, पर नहीं बदले तो आप। उधर क्षणभर को किसी ने साधना में आंख क्या बंद कर ली, इधर आपका सिंहासन डोल गया। विश्वास कीजिए देवराज, ध्रुव का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं देवर्षि की इंद्रासन पर सबकी आंखें लगी रहती हैं। पहले भी कई बार कई लोग इसे हत्याने का प्रयास कर चुके हैं। मुझे यही चिंता है। आपको चिंतित रहने का इतना अभ्यास हो चुका है देवराज कि यदि आप चिंतित न लगें तो अधूरे से लगते हैं। ध्रुव की दृष्टि में इंद्रासन तुच्छ है, उसकी दृष्टि तो कहीं और ऊंचाई पर लगी हुई है। परंतु आप चाहते क्या हैं देवराज? मैं चाहता हूं कि उसकी तपस्या में बाधा पड़ जाए, उसकी साधना टूट जाए। आप अपनी इच्छा के स्वामी हैं देवराज, किंतु इतना जान लीजिए कि ध्रुव के मन में जो सूर्य उदय हो चुका है उसे विरोध की कोई भी घटा ढांप नहीं सकती। उसके जीवन में जिस सुगंध ने जन्म ले लिया है उसे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती। मैं रोकूंगा उसे, आप देखते जाइए। अवश्य दिखाइए, मुझे तो यूं भी आपकी लीला देखने में बड़ा आनंद आता है। नारायण नारायण। रक्षिता, आज्ञा देवराज। रक्षिता, तुम्हें अभी इसी समय धरती पर जाना है, उस वन में जाना है जहां एक नन्हा बालक ध्रुव भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है। तुम्हें उसकी तपस्या भंग करनी है। जो आज्ञा देवराज। उसकी तपस्या भंग करने का ढंग मैं बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव, मेरे पुत्र, तू यहाँ है और मैं तेरी खोज में न जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। आंखें तो खोल मेरे राज दुलारी, देख देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। देख तेरे वियोग में मेरी क्या दशा हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे तू तो मेरी बात ही नहीं सुनता। पहले मेरी एक पुकार पर मेरे पास दौड़ा चला आता था, मेरी बाहों में समा जाता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तुझे क्या हो गया है ध्रुव? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। न जाने किसने जादू टोना कर दिया मेरे राजकुमार पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरे लाल बंद कर दे अपनी तपस्या, तेरी इच्छा पूरी हो गई है। महाराज तुझे अपनी गोद में बिठाने को तैयार हो गए हैं। तेरी विमाता सुरुचि ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली है। चल मेरे लाल, राजमहल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय मेरे भाग्य, मेरी आंखों की तारी, मेरे मन के चैन, ये तेरी आयु नहीं तपस्या करने की। अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन है। तूने अभी जीवन में देखा ही क्या है? तुझे मेरी सौगंध, बंद कर दे ये जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि तूने ये जाप नहीं बंद किया तो मैं अभी यही तेरे सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुमने खाना छोड़ दिया है, यदि पानी पीना भी छोड़ दो तो भगवान विष्णु और भी शीघ्र तुमसे मिलने आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कैसा संकल्प है, यह कैसा विश्वास, सब संकट सहती गई प्रभु दर्शन की आस। देवलोक में मच गया भीषण हाहाकार, डिगा नहीं ध्रुव